आपको तोड़ के भी दिखा रही हूं, ये देखिए। और आप ये आगे पीछे से देख सकते हैं कितने क्रिस्पी हैं। और ये देखिए, देखा आपने, बहुत अच्छे बने हुए हैं और बहुत ही सॉफ्ट हैं। ये देखिए एकदम रुई जैसे, ये देखिए, देखा। वेलकम टू मुनमुन की रसोई। आज हम मुनमुन की रसोई में बनाने जा रहे हैं तवा कुलचा बनाएंगे, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनाएंगे। ना अवन का यूज करना है ना कुछ, तवे पे ही एकदम मार्केट जैसे कुलचे, रेस्टोरेंट जैसे कुलचे आज हम घर पे बनाएंगे। तो उसको बनाने के लिए यहाँ पे मैं इस बाउल से 2 बाउल मैदा ले रही हूँ। मैं 1 टेबल स्पून यानी कि 5 मिली बेकिंग सोडा उतना ही मैं ले रही हूँ, बेकिंग पाउडर 1/2 टेबल स्पून, नमक डाल देंगे 1 टेबल स्पून इतना, शुगर, बहुत अच्छा टेस्ट आता है हमारे कुलचों में। नाइस मिक्स, दही ली है 1 बाउल यानी कि 250 ग्राम। थोड़ा थोड़ा करके हम दही डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे। एक तो ये अच्छा मॉइस्ट करेगा, दूसरा कि हमारे कुलचों को बेक होने में बहुत अच्छी हेल्प करता है ये। और आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी दही का मैंने यूज कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने मेल्टेड बटर लिया हुआ है, बटर जरूर डालिएगा, कुलचों में बटर का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इस स्पून से मैं 5 टेबल स्पून डाल दूंगी और डो को अच्छा नीट कर लेंगे हम। कि अगर दही की आपको रिक्वायरमेंट लगे तो आप दही डाल लीजिएगा, मुझे थोड़ी सी रिक्वायरमेंट लग रही थी तो मैंने थोड़ी सी यहाँ पे दही लिया है। ये देखिए डो को मैंने एक साथ कलेक्ट कर लिया है, अभी ये पूरी अच्छी तरह से नीट नहीं हुआ है, यह देखिए हाथों में लग रहा है अभी। 1 स्पून और बटर डालेंगे हम इसमें और डो को नीट करेंगे। गाइस, कुलचे के डो को नीट करने की एक ट्रिक होती है, वो मैं आपको बता रही हूँ। ये जो आप हथेली देख रहे हैं, ये इस हथेली की हेल्प से हम ऐसे देखिए, अभी हम डो को नीट कर रहे हैं तो ये टूट जा रहा है, ये देखिए इस तरह से, ये देखिए। और इसको बराबर हमें ऐसे ही डो को ऐसे करते हुए नीट कर लेना है। और खिंचाव आप इसका देख सकते हैं, ये देखिए स्मूथ डो हमारा रेडी हुआ है। 1 टेबल स्पून हम बटर और लगा देंगे, एक बार हम इसको बस ऐसे नीट कर देंगे। 5 मिनट अच्छे से नीट किया है और ये हाथ में अब बिल्कुल नहीं लग रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हाथ बिल्कुल क्लीन हो गया है। 1/2 टेबल स्पून बटर हम और लगा देते हैं, अच्छे से ऊपर से कोट कर देंगे। और चलिए इसको कवर करके, अगर आपके पास टाइम हो तो 1.5 घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए आप इसको रेस्ट के लिए रखिएगा, अगर टाइम ना हो तो 1/2 घंटा भी इनफ है। मैं इसको 1 घंटे के लिए रेस्ट पे रख रही हूँ। और ये देखिए रेस्ट होते हुए इसको 1 घंटा हो चुका है। और ये देखिए क्या स्ट्रेच आया है, ये देखिए गाइस, देखा। हमें इसकी बॉल्स काट लेनी है, ये देखिए। और इसको हम बेल लेंगे, बेलते समय हम इसमें फ्लावर का यूज नहीं करेंगे, ऑटोमेटिक हमने इसमें इतना घी डाला है गाइस, जिसकी वजह से आराम से मिल जाता है। थोड़ी सी यहाँ पे कलौंजी लगाएंगे, कलौंजी आपके पास ना हो तो इसकी जगह पे आप काला तिल भी लगा सकते हैं। थोड़ी सी धनिया स्प्रिंकल करेंगे इस पे, एक बार अच्छे से इसको प्रेस कर देंगे जिससे धनिया इसमें चिपक जाए। और थोड़ा हम लंबा बेलेंगे इसको, थोड़ा हम इसको बड़ा ही बेलना है, ये ऑटोमेटिक अभी सिकुड़ेंगे तो छोटे हो जाते हैं। मैं आपको इसकी थिकनेस दिखाऊं, ये देखिए बस इस तरह ये थिकनेस रहेगी। इसके बैक पोर्शन में हम इसमें पानी लगा देंगे अच्छे से। पानी लगाने के 2 रीजंस होते हैं, एक तो ये अच्छे से तवे पे चिपक जाते हैं और दूसरा इसको राइज होने में कम समय लगेगा। तवा अच्छे से हमारा गर्म था, उसी पे डाल देंगे और 2-3 यहाँ पे छिट्टे डालेंगे हम कुछ पानी के, और यहाँ पे हम इसको कवर कर देंगे। इससे ये अपने आप ऑटोमेटिक पफ होगा और बहुत अच्छे से ये राइज होते हैं। और इसका फ्लेम हम हाई टू मीडियम करेंगे। 1 मिनट हो चुका है, हटा लेते हैं लीड को।
ओह वाओ गाइस, आप देख सकते हैं अब इसको हम फ्लिप कर देंगे और ये देखिए क्या कलर आया है, बहुत ही सुंदर टेक्सचर आया हुआ है इसका। बस दूसरी तरफ भी हम इसको ऐसे रख देंगे, पानी के किनारे किनारे हम इस पर छिट्टी मारेंगे और ढक देंगे। आधा मिनट हो चुका है, कवर को हटा लेते हैं और फ्लिप कर लेते हैं। तो बिल्कुल ये मार्केट जैसा बन के रेडी है हमारा। जैसे हम खाने जाते हैं ना रेस्टोरेंट में तो कैसे हमें कुलचे मिलते हैं खाने के लिए, बिल्कुल उसी स्टाइल में हम इसको सेक लेंगे। एक तो इस तरह करने से बहुत मॉइस्ट रहते हैं हमारे कुलचे ढकने से। पीछे भी हम अच्छे से बटर लगा देंगे इसमें, क्योंकि हम बटरी कुलचे बना रहे हैं ना। हल्का सा प्रेस करेंगे इसको, टर्न, वाह क्या लुक आया है गाइस। और ये लीजिए, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल हमारे कुलचे बनके रेडी हैं। बहुत ही अच्छे कुलचे हमारे बने हुए हैं और सेम इसी तरह हम दूसरा भी सेक लेंगे। ये देखिए दूसरा भी मैंने डाल दिया है। ध्यान रखना है कि हमें कुलचों के ऊपर नहीं पानी डालना है, किनारे डालना है, जिससे ये अच्छे से राइज होते हैं और तुरंत इसको ढक देना है जिससे ये अच्छे से पफ हो सके। फ्लेम हाई टू मीडियम रखेंगे। देखिए कुलचे मेरे बन के रेडी है, बहुत ही स्वादिष्ट बने हुए हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ना, बिल्कुल लग रहा है ना कि मार्केट जैसे कुलचे बने हुए हैं। गाइस बहुत ही अच्छे कुलचे बन के रेडी होते हैं, आप एक बार जरूर ट्राई करिए। पालक छोले के साथ, गाजर यानी कि सलाद के साथ, फ्राइड मिर्चे और अचार के साथ, एंजॉय। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।